नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। निष्ठा प्रशिक्षण का दूसरा बैच आज खड्डा बीआरसी पर संपन्न हुआ। इसमें पिछले बैच के प्रारंभ के दिन, जिस दिन शुरुआत हुई थी, उस दिन हमने बात की थी गणित विषय के अध्यापक प्रशिक्षक से, जिन्होंने बताया था कि वो क्या शिक्षा दे रहे हैं और क्या व्यवस्था है। आज हम बात करेंगे यहाँ बाकी प्रशिक्षकों से और ये जानेंगे कि दूसरे बैच का जो आज समापन हुआ है, क्या क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कब तक चलेगा, क्या है प्रशिक्षण का उद्देश्य और प्रशिक्षण के बारे में पूरी जानकारी। तो यहाँ हमारे साथ हैं इजहार जी, जो यहाँ भाषा शिक्षा में प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो सर, क्या है प्रशिक्षण का उद्देश्य और क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं? प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने बच्चों को स्कूल में जाएं तो गतिविधि आधारित टीएलएम ही, क्लास को ही टीएलएम मानते हुए, या ऐसा हम टीएलएम प्रस्तुत करें जो बच्चे गतिविधि आधारित द्वारा शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर सके। सर, यहाँ आज ढेर सारे प्राइवेट स्कूलों में प्रारूप बदल गए हैं, इस रेस में बदल गए हैं और आपके प्राथमिक विद्यालयों में भी इंग्लिश मीडियम के विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। तो इन सारे प्रशिक्षण में उन इंग्लिश मीडियम के अध्यापकों के लिए क्या है और उनको क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि इंग्लिश मीडियम हमारे यहाँ 17 विद्यालय चयनित हुए हैं, प्राथमिक विद्यालय और उसमें कुछ संविलय विद्यालय होते हुए। तो जो भी अध्यापक आ रहे हैं उनको भाषा शिक्षण के माध्यम से, अंग्रेजी माध्यम से उनको डेवलप किया जा रहा है कि वो टीएलएम के माध्यम से जुड़े और बच्चों को ऐसी रुचिकर बनाए कहानी के माध्यम से, काल्पनिक कहानी के माध्यम से, कि वो बच्चे रुचिकर बनाती है, खुद कहानी बनाए, खुद अच्छे अच्छे सब्जेक्टों को, अच्छे अच्छे थीम को निकाल के लाएँ बच्चे, और कुछ ऐसे शब्दों को वो चुने जो बच्चे आसानी से याद कर सके। सर, आपको लगता है कि जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है, जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उन प्राइवेट विद्यालयों के इंग्लिश मीडियम से कम्पीट कर पाएंगे? बेशक कर लेंगे, क्यों नहीं, हौसला बुलंद हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ एक और प्रशिक्षक हैं, सर क्या नाम है आपका और आप किस चीज़ का प्रशिक्षण दे रहे हैं? डॉक्टर शंकर दयाल पाठक और मैं विज्ञान मिश्र का प्रशिक्षक हूँ। ये जो प्रशिक्षण है पूर्णतः बाल मनोविज्ञान पर केंद्रित है। छात्र को केंद्र मानते हुए जितनी भी शिक्षण की विधाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य आधारित हो, कक्षा गतिविधि आधारित हो या ICT आधारित हो, सबका प्रयोग करते हुए शिक्षण विधि को उत्तम से उत्तम करने का प्रयास इस निष्ठा प्रशिक्षण के माध्यम से किया जा रहा है। विज्ञान विषय प्रयोगात्मक ज़्यादा होता है और जो स्ट्रक्चर अभी प्राइमरी विद्यालयों का, जूनियर विद्यालयों का, उनके अंदर वो लैब और वो सारी सुविधाएं नहीं है। सीमित संसाधनों में शिक्षा कैसे दी जाती है, ये आप लोग प्रस्तुत करते हैं दूर दराज क्षेत्रों में, तो वैसे बच्चों के लिए जो प्रैक्टिकल के माध्यम से कुछ सीख पाएँ, वैसा कौन सा ट्रेनिंग हो रहा है यहाँ? ये विज्ञान का विषय ही प्रशिक्षण आधारित है और विज्ञान के प्रशिक्षण में इस बात पर चर्चा की गई है कि जब आप कक्षाओं में शिक्षण दे रहे हों तो आप चार्ट का प्रयोग करें, मॉडल का प्रयोग करें और यदि संभव हो तो जो SLM है, जो आपके परिवेश में ज्ञान है, उस परिवेश के ज्ञान को विज्ञान के जिस ज्ञान से जब तक हम नहीं जोड़ेंगे तब तक विज्ञान के शिक्षण की मूल संकल्पना पूरी नहीं होती। क्योंकि विज्ञान का विद्यार्थी का मूल शुरुआत इससे होता है कि वो क्यों और कैसे जानना सीखे, और क्यों और कैसे जानने की प्रवृत्ति जो है उसे परिवेश से ही मिलती है। टोटल अध्यापकों का प्रशिक्षण करवा दिया जाएगा, ये दूसरा बैच संपन्न हुआ और ये उम्मीद करेंगे हम कि इसके बाद, इस प्रशिक्षण के बाद विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ेगी क्योंकि गुणवत्ता संवर्धन के लिए प्रशिक्षण को आयोजित किया गया है। यहाँ हमारे साथ एक जूनियर शिक्षक संघ के अध्यापक हैं और एक बार हम लोग एक कार्यक्रम में आए थे जहाँ सरकार की नई व्यवस्था प्रेरणा ऐप का आप लोग विरोध कर रहे थे। ये निष्ठा जो है इसमें सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो रही हैं, उस समय ये कहा जा रहा था कि एंड्रॉयड नहीं है अध्यापकों के पास, वो प्रशिक्षण नहीं दे सकते, अटेंडेंस नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ अध्यापक ट्रेनिंग के बाद सारी गतिविधियाँ एंड्रॉयड से कर रहा है। तो क्या आप सरकार के सहयोगी बन गए या आपका विरोध जारी है? नहीं नहीं, हम लोग तो प्रेरणा का विरोध कर रहे हैं ना, निष्ठा का प्रेरणा से लेना देना नहीं है। निष्ठा जो है यह बच्चों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो इससे प्रेरणा से कुछ लेना देना नहीं है। इस निष्ठा प्रशिक्षण को हमारे शिक्षक अच्छे ढंग से ग्रहण किए हैं और निश्चित ही इसका परिणाम विद्यालय में देखने को मिलेगा भविष्य में। आप सबने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे वीडियो के अगले अंक में
और किसी और बैच के साथ बात करेंगे अन्य प्रशिक्षकों से और उम्मीद करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो और बच्चों को जो सबसे गरीब तबके से आते हैं वो अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। जुड़े रहे जनमंच खबर के साथ, धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।